Shit! I'm very shit! Pizza medium! Bye! हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम मिस्टर अस्तानी हैकर। आपका छोटा भाई तहे दिल से आपका स्वागत करता है और पेश हुए एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस आज जो है दिन की लोकेशन है एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा सुनसान इलाका है। जैसे कि हर वीडियो में रात के नाइट के समय होता है, कोई भी नहीं होता है और चारों तरफ जंगल जंगल होता है। देख सकते हैं अभी आप, अभी हम जो है जंगल में खड़े हैं। तो गाइस ये वही लोकेशन है जहां पर हम की नाइट में वीडियो शूट की थी, भूतिया सुरंग। और ये वही लोकेशन है जहां पर कि हमारे मिस्टर इंडियन हैकर सबसे राजस्थान के सबसे बड़े यूट्यूबर ने यहाँ पर वीडियो शूट की थी, मिस्टर दिलराज सिंह रावत ने, दिलराज भाई ने मारा है। तो आज जो है उस समय हम नाइट में आया था, नाइट का व्यू आपने देख लिया चारों ओर से, गुफा का पूरा जो हमने एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे पे खत्म किया था। तो आज जो है फिर से आ चुके दिन के टाइम में और आज जो है दिन का व्यू आपको दिखाएंगे हम कि दिन का व्यू कैसा होता है। नाइट का व्यू तो आपने देख लिया, काफी खतरनाक था, काफी डरा देने वाला माहौल था। तो आज जो है दिन के समय भी आ गए, क्योंकि यार गाइस एक कहीं ना कहीं हमें वो थी कि यार गाइस हमें जो है दिन में भी यहाँ पर आना है, क्योंकि यार काफी खतरनाक लोकेशन है ये। आप लोगों ने पिक्चरों में खूब देखा होगा, सेम डिटो ये वही की वही लोकेशन है। तो आ चुके हैं फिर से, आज जो है एक बंदे ज्यादा ही है हमारे पास में, क्योंकि उस दिन तो हम चार जने थे, आज हम जो है पांच जने गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या होता है, क्योंकि वैसे तो नाइट डे है तो हमारा इतना माहौल नहीं है डर वाला, क्योंकि नाइट में तो भाई साहब फटती है हमारी बुरी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आती है ना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी बने रहिए वीडियो में एंड तक, देखिए आज क्या होता है और कैसा व्यू दिखता है दिन का। आज तो हमें मशाल वशाल की कोई जरूरत भी नहीं है, उस दिन तो मशाल है पता नहीं क्या क्या लेके आए थे। आजाओ भाई लोग, आजाओ, एंट्री गेट है ये, आजाओ भाई। हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत नाइट के अंदर भी यहीं से की थी। देख सकते हो आप, दिन में भी चलना मुश्किल हो रहा है, तो हम लोगों ने जो है नाइट के अंदर कैसे शूट किया होगा। यार दिन में जंगली जानवर घूमते हैं भाई। आज दिखाऊंगा आपको जो वो सांपों के बिल है ना, जैसा कि मैंने बता रखा है यहाँ पर सबसे खतरनाक सांप रहते हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ पर बिल, देखो यहाँ पे बिल देखो, और हर जगह हर पूरी गुफा के अंदर बिल ही बिल है। यहाँ पर कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ बिल नहीं हो। दिन के समय भी यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, सोचो नाइट के समय कौन आता होगा यहाँ पर। क्या है भाई बिल देखो यार, बिल कितना बड़ा है। अजगर का बिल लग रहा होगा। अजगर का बिल, अभी यहाँ से कुछ भग के गया था यहाँ पे, यहाँ से अंदर चिपकली है भाई, चिपकली है। भाई मैंने उस दिन जो नाइट मैंने इस पेड़ को नोटिस किया था, मुझे पता नहीं ये पेड़ थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या है, मतलब इसको देख के मेरे दिल में जो है डर पैदा हो जाता है इसको देख कर। भाई देखना कुछ सांप वाप, भाई सांप कोई शेर वगैरह, यहाँ बोलते हैं यहाँ जंगली बोलते हैं। और वो अभी परसों तक अखबार में आया था वो जो जिसको जंगली बिल्ली बोलते हैं, केट, बिग केट, पैंथर क्या बोलते हैं उसको, उसने देखा गया था यहाँ पर।
खाते वो थे। अब देखो, अब जैसे जैसे अंदर चल रहा है ना, वैसे वैसे इसकी हाइट और बड़ी होती जा रही है और हम और गहराई के अंदर जाते जा रहे हैं। ये देखो, राइट के अंदर भी हमने आपको ये दिखाया था, ये पता नहीं कौन से जानवर की मुंह है उसका। राइट के अंदर भी हमने आपको बताया था। देखो और अब देखो, जैसे जैसे हम जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ये और जो है पकड़ी हो रही है। मच्छर देखो भाई, मच्छर पूछी होती भाई, डेंगू नहीं हो जाओ अपन को। इस पे कांजी जमी हुई है, कांजी जैसा ये देखो पूरा, ये देखो। और भाई दीवालों पे बिल के अंदर ध्यान रखना, कोई अपने आज घोंसला बनाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जो है अब देखो आप ऊपर से जड़े जो सीधी जमीन में आ रही है, उस दिन नाइट के अंदर व्यू आपने क्या पता अच्छे तरीके से देखा होगा या नहीं देखा होगा। अब देखो गाइस कितनी खतरनाक लोकेशन है यार, आवाज सही है। और भी जमीन के अंदर घुस रही है पूरी तरीके से, और भी ज्यादा नीचे जाया जा रही है। और ये देखो इसके अंदर से जो है जड़े जा रही है, देखो ये देखो। नहीं भाई, दिन में क्या, रात में भी नहीं आवे। चलो रात तो फिर भी बड़ी बात हो जाती है, यहाँ पर दिन में आने से भी 10 बार सोचना पड़ता है। ये देखो गाइस सांप की केचली, कितना मोटा सांप की केचली है। देखो गाइस ये सांप की जो केचली होती है ना, वो है ऊपर की, तो देखो कितनी मोटी है। अच्छे से दिखाऊंगा आपको, दिख रही है, दिख रही है सांप की केचली है गाइस। मच्छर बहुत है इसमें, मच्छर होगा पूछेगा क्या क्या बोल रहा है, मच्छर ही है। माचे माचरे के आ रहे, ये इसके अंदर से आ रही है बिल। चुप हो गया, चुप। Yeah.
भाई मेरे को है ना इस सुरंग इस गुफा का सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है, यहाँ पर और भी इसकी हाइट जो है काफी गहरी हो जाती है। लो भाई देखो गुफाओं में गुफा है, गुफाओं में गुफा है और काफी सारी गुफा है अनगिनत। अरे यार मैं एक चीज देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को वो नहीं दिख रही, मैं देखना चाह रहा हूँ सांप कहाँ पर है, क्योंकि गाइस यहाँ पर सांप की तादाद काफी ज्यादा है और रास्ते में मैंने आपको सांप की केचली भी बताई थी। यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है नाइट में चाहे दिन में, बेयर गिल्स मैन वर्सेस वाइल्ड। पीछे वाले को सबसे पीछे वाले भाई, यार मजाक मत करो यार। यार भाई तूने भी तो उस दिन रात को मजाक की थी, वैसे तो फटी पड़ी थी तू और मजाक। एक मिनट के लिए तो सांस रुक गई, मैंने मैं तो दिन में कर रहा हूँ भैया, सांसें फूल गई एक मिनट के लिए। तो गुफा को देख के अंदाजा लगा सकते हो यार, शेर क्या है यहाँ पर, तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जानवर मिल सकता है आसानी से, और ये काफी जंगली इलाका है, यहाँ पर कई बार देखा गया है। ये गुफा ना इसकी एक खास बात है, ये ऊपर से खुली हुई है पूरी, उस दिन तो रात को ऊपर ऐसा लग रहा है ऊपर से भी बंद है, लेकिन ये ऊपर से खुली भी है। हाँ खुली है देखो सही, नहीं लगता ऐसे कि अंधेरा है, हल्का सा आसमान दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन, बाकी है बहुत डरावनी भाई, पूछो मत। यहाँ पर अगर किसी को पता पड़ जाए ना पूरी फिल्म की शूटिंग करते हो यहाँ पर, अब खुद देख सकते हो। देखो यहाँ पर भी एक किसी पक्षी का घोंसला है, खुल गई आ गए बाहर, आ गए भाई, आ गए बाहर भाई, बाहर आ गए। मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई, वी लव यू भाई साहब, बहुत ही खतरनाक जगह है यार गाइस, और दिलराज भाई ने पता नहीं कैसे ढूंढ ली। अरे यार खुली कहाँ है, ये तो अभी और है यार, ऐसा लगा मेरे को खुल गई, आप आखिरी मुहाने पर आ गए, बट यार ये तो और भी है, अभी तो अपन चल रहे भाई, कुछ गया भी यहाँ से तो देखो ना भाई, बिल है वहाँ पर कुछ गया, और फुकार भी आ रही है, फुकार की सुनाई दे रही है, होगा तो कोई बड़ा जानवर ही होगा ये, जाओ मत यार भाई, तो भैया टेंट डाल के देखेंगे। अब वो बाहर आ गया ना, तो अभी अपने भाग उसके साथ ही आ जाएंगे, जगह जगह उसके साथ ही, ये कॉलोनी है सांपों की कॉलोनी है, ये ट्राई तो कर लेते हैं, द स्नेक कॉलोनी। देखो यहाँ पर भी विल है, अब खुल गई है भाई, अब खुली है। अब देख सकते हो आप, कोई भी नहीं है यार, कोई भी, अब रात का समय आप सोचो कौन होगा यहाँ पर, आप लोगों को लगता होगा कि यार फेक है पागल बना रहे, अब देखो कोई भी नहीं है यहाँ पर, जबकि हम रात का समय आए थे, और अभी जो है दिन का व्यू दिखा रहा हम आपको, और यहाँ पर जो है एक बंदा तो क्या है, कुत्ता भी नहीं दिखा हमें तो यहाँ पर, सच्ची में इतनी खतरनाक लोकेशन है। हाँ भाई लोगो लोंडो, हालत ठीक है आपकी? ठीक है भाई, ये तो अभी 5 दिन पहले बिस्तर से 5 दिन बिस्तर में पड़ा रह करके अभी उठ कर आया है, और भाई साहब
पैर दुखने लग गए चल चलते, काफी लंबी सुरंग थी जैसे हमने आपको पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, काफी 1 से 1.5 किलोमीटर जो है इसका सफर करना पड़ता है। और गाइस सच में एक्सपीरियंस काफी खतरनाक है, काफी डरा देने वाला माहौल है यहाँ पर कि पूछो ही मत। तो गाइस कैसे लगे वीडियो आपको आई होप सो मजा आया होगा आपको, क्योंकि नाइट के समय काफी खतरनाक लोकेशन था, दिन के समय भी पूछो ही मत। मैंने रास्ते के अंदर आपको कुछ दिखाया भी था, सांप की केचली वगैरह, और रास्ते में कोशिश भी की थी कि यार कुछ दिखे हमको, मगर ऐसा कुछ दिखा नहीं था। बाकी गाइस सच में तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हो सके तो इसे बिना स्किप किए देखना, काफी मजा आएगा। काफी सुंदर सुरंग, भूतिया सुरंग है गाइस। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।